दौसा जिले की लालसोट थाना पुलिस ने अपहरण के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 घंटे में ही मामले का खुलासा किया है और रामप्रसाद नामक युवक जो किडनैप हुआ था उसे दस्तयाब कर लिया है। वहीं उसकी कार को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने कानाराम नामक एक अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया है, साथ ही अन्य अपहरणकर्ताओं की तलाश की जा रही है। दरअसल रामप्रसाद मीणा नामक युवक के पिता ने लालसोट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि शुक्रवार की शाम करीब 6:30 बजे जब रामप्रसाद अपनी दुकान से घर जा रहा था, इसी दौरान करीब 6 से 7 लोगों ने उसे बीच रास्ते से किडनैप कर लिया। इस पूरे मामले के बाद पुलिस ने नाकेबंदी कराई और अलग अलग टीमें अलग अलग जगहों पर दबिश दी। उसके बाद यह खुलासा किया गया। सूचना मिली थी शाम की 7:30 बजे के श्रीरामपुरा की पुलिया के नीचे से राम प्रसाद पुत्र हरजीलाल का अपहरण हो गया है। आदि सूचना पर श्रीमान थानाधिकारी महोदय मैं टीम के अपहरणकर्ता के पीछे सूचना पर रवाना हो गया। श्रीमान थानाधिकारी महोदय ने सुबह 11:30 AM पर एक बोलोरो गाड़ी RJ14UF6129 व अपहरणकर्ता की गाड़ी RJ27UV3909 के हाजिर थाना आए, जिनमें अपहरणकर्ता कानाराम पुत्र फैलीराम मीणा उम्र 27 साल निवासी चक धाकड़ा पोस्ट मित्रपुरा थाना मित्रपुरा को लेकर हाजिर आए व अपहरणकर्ता राम प्रसाद उर्फ प्रसादी पुत्र हजारी लाल को लेकर के हाजिर आए, जिनसे पूछताछ की जा रही है। प्रकरण दर्ज कर लिया है। प्रकरण संख्या 137/20 है।